मिस्टर गुप्ता, देखिए आप हॉट सीट पर हैं, वैसे तो हम, मैं भी आप भी, हम दोनों हॉट सीट पर हैं। अभी खूब चर्चाएं होंगी, कल लिटमस टेस्ट है, लेकिन उससे पहले विपक्ष के सवाल खड़े हो गए हैं। आप अपनी तरफ से क्या ऐसा बताएंगे? विपक्ष तो छोड़िए, देखिए उनका सवाल खड़े करना उनका काम है, सत्ता पक्ष का अपने तरीके से बोलना काम है, जनता का यकीन बनना चाहिए, और इसीलिए आप सीधा जनता को एड्रेस कीजिए और बताइए कि क्यों वो आज तक एक्सेस माई इंडिया के इस एग्जिट पोल पर भरोसा करें। तो एक्सेस माई इंडिया आज तक ने पिछले 10 सालों में करीब 69 इलेक्शन का अनुमान लगाया है, और उसमें से 65 जो है बैंग ऑन मोस्ट एक्यूरेट रहे। और बड़ी बात उसमें यह है कि हम सिर्फ ये नहीं जानते कि आपने किसको वोट दिया वगैरह वगैरह, बड़ी बात यह है क्यों दिया और आपकी ज़रूरतें क्या है, और आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी इन ज़रूरतों, समस्याओं और विषयों को कौन पार्टी और कौन नेता सुलझा पाने या समाधान दे पाने में उपयुक्त है। और ये हमारी लगातार स्टडी चलती है और इसके बेसिस पे हम काम करते हैं। रह गए, जैसे आपने बात बताई, विपक्ष ये कह रहा है या कोई भी कुछ कह सकता है, जिसको अंगूर अच्छे नहीं लगेंगे, खट्टे लगेंगे, वो तो कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अंगूर खट्टे हो सकते हैं, एक दिन का सवाल है, हो सकता है कल तक जाके अंगूर मीठे हो जाएं, पक जाएं। हो सकता है कल तक अंगूर मीठे हो जाएं, पक जाएं, लेकिन फिर उसमें ये रहेगा कि अगर ये टैली पलटता है तभी अंगूर उनके लिए मीठे होंगे। बहरहाल कल सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। अब आपकी बारी है गौरव भाटिया जी, आप सभी की बातों का जवाब दे सकते हैं। आपने सुना, बोल रहे हैं कि जब से आपकी सरकार बनी है तब से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। आशुतोष जी भी कह रहे हैं और आलोक जी के सवाल तो है। देखिए अंजना जी, सबसे पहले बात हो रही थी, अधिकार है हमारा कि हम लोग आलोचना करें, बिल्कुल अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है कि वो आलोचना करे, लेकिन आलोचना करने से पहले एक बड़ी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी है कि जब आप आलोचना करें या किसी पे शक की नजर से देखें तो आपके तथ्य मजबूत होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये जजमेंट दिया, मेरे हाथ में है, केवल एक लाइन पढ़ता हूं। आशुतोष जी बड़े ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, कम से कम इस बात में मुझसे सहमत होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हाउएवर इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू एक्सरसाइज केयर एंड कॉशन व्हेन वी रेज एस्पर्शंस ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, रिपीटेड एंड परसिस्टेंट डाउट्स एंड डिस्पेयर इवन विदाउट सपोर्टिंग एविडेंस कैन हैव द कॉन्ट्रेरियन इम्पैक्ट ऑफ क्रिएटिंग डिस्ट्रस्ट। जब आप इल्जाम लगाए तो पुख्ता सबूत हो, तथ्य हो, प्रमाण दीजिए, तब कार्रवाई होगी। आज ये कांग्रेस पार्टी से पूछा नहीं जाएगा। आप कहते हैं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 150 डीएम्स को फोन किया, क्या 150 पीएम्स, अगर आप कहते हैं डीएम को फोन किया, कोई प्रमाण है आपके पास, कोई आपने सूचना दी है, कोई बेसिस है उसका, या ऐसे ही डीएम्स को भी बदनाम कर दिया, गृह मंत्री जी को भी बदनाम कर रहे हैं और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बदनाम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, आशुतोष जी ने एक बात कही और विरोधाभास है जो राहुल गांधी कहते हैं और जो आशुतोष जी कहते हैं। आशुतोष जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का विज्ञापन और उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी, तो फिर जब राहुल गांधी विदेशी धरती पे कहते हैं कि लोकतंत्र मर गया है, जब वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जुडिशरी खत्म हो चुकी है, तो भाई कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो अपना काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम किया, यही तो उदाहरण है कि हमारी जो लोकतंत्र है बहुत मजबूत है, ये जीवित है। और इसीलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया तो हमने ये नहीं कहा कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय गलत कर रहा है, हमने सराखों पे रखा उस आदेश को और उसका पालन किया। तीसरी बड़ी बात, ऐसा हो क्यों रहा है कि आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए अंजना जी, मीडिया बिक चुकी है, एग्जिट पोल भाजपा के कार्यालय में बनते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है, जुडिशरी खराब है, आर्मी खराब है, सब खराब है, लेकिन अच्छी केवल कांग्रेस पार्टी है। ये इसलिए ऐसा करते हैं, इनको पता है कल इनका सूपड़ा साफ होगा, 40 के नीचे कांग्रेस आएगी, घमंडिया 100 के नीचे आएगी, तब वो क्या कहेंगे? राहुल गांधी को तो बुरा भला कह नहीं सकते हैं, तो ठीकरा फोड़ने के लिए कम से कम वहम की राजनीति करो और बताओ कि देखो ईवीएम गड़बड़ हो गई, ये जनता का वोट नहीं है। लेकिन सच ये है कि जैसे रणदीप सुरजेवाला ने एक बार जनता को रावण बता दिया था,
उसी तरह से ये जनता को भी कल नहीं बख्शेंगे, क्योंकि इनको मुश्किल है कि ये माने कि राहुल गांधी में योग्यता नहीं है और राहुल गांधी में योग्यता ढूंढ रहे हैं, जो कि असंभव है। और एक बात और कहें, थोड़ा छोटा छोटा सर, 5-6 गेस्ट है गौरव जी अगले राउंड में। आलोक जी, इस पर आप एक रिस्पॉन्स दीजिए। जो उनका प्रश्न है, मुख्य प्रश्न यही है कि क्या हार के सामने आते हुए देखकर, अभी सिर्फ अनुमान है, एक बार फिर दर्शकों को बताते हुए, ये जो टैली आप देख रहे हैं नीचे, ये नतीजे नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, एक्सेस माय इंडिया, इंडिया टुडे का ये एग्जिट पोल का अनुमान, हार का सामना करना पड़ सकता है, ये देखते हुए क्या आप लोग ये दीवार लगा रहे हैं अपने सामने, अपने बड़े नेताओं को बचाने के लिए? आलोक जी, इसका एक स्पष्ट जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, 2018 में हम 3 राज्यों के चुनाव जीते थे और लगभग 200 के करीब मीडिया के साथ ही यहाँ पर AICC में बैठे हुए थे और राहुल गांधी जी से सवाल पूछा गया कि क्या अभी भी आपको EVM के ऊपर या उस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर या बैलेट पेपर अभी भी चाहते हैं आप। हमारा उत्तर तब भी यही था कि ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर EVM के ऊपर शक है तो उसको हटाया जाना चाहिए और EVM चाहे हम जीते हों और इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, हमारी आज भी ये मांग है। तो केवल हार और जीत से तात्पर्य नहीं है इस चीज का, मैं केवल ये कह रहा हूं कि मैंने कहा 8-10 महीने तक अगर इलेक्शन कमीशन अपोजिशन को मिलने का भी टाइम नहीं देता है तो क्या किसी भी मीडिया के चैनल ने कोई एक डिबेट की उसके ऊपर कि क्या अपोजिशन को इतना अधिकार भी नहीं है? अपोजिशन के सांसदों को मीडिया के ऊपर सवाल ऐसे नहीं उठे अंजना जी, मीडिया के सवाल उठने के बहुत सारे चुनाव आयोग पर बहस नहीं की है। गौरव भाटिया जी कह रहे हैं और मीडिया में, एक मिनट मैं आ रहा हूँ वापस, मैंने बहस नहीं की है, कम से कम 5 बहस मैंने की होगी, 5 डिबेट्स एटलीस्ट। मैं उत्तर दे रहा हूँ, गेट योर फैक्ट्स राइट सर। मैं फिर कहूंगा अगर एक भी हल्ला बोल अंजना जी इस चीज पे हुआ हो कि 8-10 महीने तक क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने समय दिया, अगर ये हेडिंग डालकर आपने किया हो तो मुझे जरूर दिखाइएगा, मैं जरूर माफी मांगूंगा। अब बात आती है 200 से ज्यादा कंप्लेंट AICC की तरफ से। एक मिनट मैम, 200 से ज्यादा कंप्लेंट अभी हुई इस चुनाव में AICC लेवल पर और राज्यों से तमाम हुई, क्या एक भी कंप्लेंट का जवाब हमें मिला? क्या वो संतोषजनक था? क्या तमाम अपोजिशन पार्टीज ने जो कंप्लेंट की उसका जवाब संतोषजनक था? कर्नाटक के चुनाव में क्या जिस तरह से धर्म का उपयोग हुआ और ये कहा गया गृहमंत्री की तरफ से कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे हो जाएंगे, क्या किसी को भी नोटिस हुआ? क्या मोदी साहब ने जो धर्म के नाम पर और मुजरे के नाम पर जो किया, क्या इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? चंडीगढ़ के ऊपर जो हुआ उसके बाद भी आप सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाक साफ होगा और इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दे दी जानी चाहिए? ये साइकोलॉजिकल कहीं वॉर गेम तो नहीं कि पहले 400 पार का नारा लगाया जाए फिर कहीं ना कहीं धांधली की तरफ हम जो इशारा कर रहे हैं कि तमाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम चीजें आ रही हैं सामने और उसके बाद एग्जिट पोल आए और वो भी शायद हमें लगता है पूरी तरह से पेड है, पूरी तरह से मीडिया के द्वारा जो दिखाए जा रहे हैं मोदी जी के द्वारा प्रायोजित है इनकी सरकार के द्वारा, ताकि लोगों को डाइजेस्ट हो धीरे धीरे और कोई ना पूछे कि क्या हुआ और कहां हुआ, और जो सवाल पूछे उसी को कह दो ये देशद्रोही है, ये इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाता है। अभी मैं आज तक की डिबेट पे ही सुन रहा था 5 बजे वाली पे, 1 घंटे पहले ही, कि पत्रकार महोदया पूछ रही थी कि इतनी बड़ी संस्थान है उसके ऊपर क्या सवाल खड़े किए जा सकते हैं? तो भाई हाथी और ऊंट भी बीमार होते होंगे, बड़ा होगा कोई तो कि उसके ऊपर सवाल नहीं खड़े होंगे, मतलब ये तर्क दिए जा रहे हैं मीडिया के साथियों के द्वारा, क्योंकि आज तक का ही था इसलिए मैंने कोट किया। ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता है 5 साल से वो अनैतिक तरीके से बैठा हुआ है, उसके बावजूद ईडी का डायरेक्टर बैठा रहा, CBI के डायरेक्टर की पेंशन नहीं मिलती लेकिन कोई जांच एजेंसी के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। अरे भाई एविडेंस नहीं मिला, मान लीजिए एक केस में, किसी केस में एविडेंस नहीं मिला, मैं मान रही थी आलोक जी, केस में एविडेंस नहीं मिला। आप एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए प्लीज, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, रुक जाइए, हो गया आलोक जी, आपकी हर बात हमने सुनी, लगातार मत बोलिए क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हैं। आप जैसा कि मुझे उम्मीद था, आपने अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर एक लाइन नहीं कही। सवाल यह है कि लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों की जो परफॉर्मेंस है, यशवंत देशमुख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि फाउंडर डायरेक्टर है सी वोटर के, परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस पर सवाल का सामना करने से क्या विपक्ष बच रहा है जब वो चुनाव आयोग, मीडिया, पोलस्टर्स सब पर सारा का सारा ठीकरा फोड़ रहा है? मिस्टर देशमुख, आप एक बात बताइए अंजना कि जब हमारे ही पोल्स में
एग्जिट पोल्स में, चाहे मेरा हो चाहे प्रदीप का, जब कर्नाटक में हम कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, तेलंगाना में कह रहे थे कांग्रेस जीत रही थी, क्या राहुल जी के फैंटेसी पोल्स थे? इस शहर में अरविंद केजरीवाल के लिए जब बोले कि वो स्वीप कर रहे हैं तो क्या अरविंद जी के फैंटेसी पोल थे? बंगाल में जब एग्जिट पोल कह रहे थे ममता दीदी जीत रही, वो उनके एग्जिट फैंटेसी पोल्स थे? मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष अच्छा होना चाहिए, इलेक्शन प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। इसमें किस सुधी नागरिक का विरोध हो सकता है? किसी का भी नहीं। बिल्कुल, उसमें हम सब लोग साथ देंगे हर चीज में अगर कोई भी चीज गलत हो रही है, लेकिन शूटिंग द मैसेंजर जो होता है ना, वो करना गलत होगा। दूसरी चीज, ये पिक्चर बिल्कुल देखी देखी हुई सी लग रही है। क्यों लग रही है देखी हुई सी अनंजना? क्योंकि इंडिया टुडे के एमओटीएन, जो सी वोटर एमओटीएन का जो हम लोग लगातार 6-6 महीने पे कर रहे हैं, ऐसा क्या है जो ट्रेंड उसमें नहीं बताया था? एग्जिट पोल में आते आते वो ट्रेंड और कंसोलिडेट हो गए हर जगह पे। तो ये बात भी नहीं है कि रातों रात कोई भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई और एकदम से आपको लगा कि ये बहुत गहरा आघात हो गया, पता नहीं कहां से कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। तो ये कुछ तो भी गड़बड़ नहीं हुआ। हम रोज बीपी की मशीन की तरह से आपका ब्लड प्रेशर नाप रहे थे, ग्लूकोज बता रहे थे, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। आशुतोष यहाँ बैठे हैं, लगभग हर 15 दिन में इनके कार्यक्रम पे हमारी इनसे बातचीत होती थी, कहाँ बीजेपी का अच्छा जा रहा है, कहाँ बीजेपी का खराब जा रहा है, कहाँ कांग्रेस का अच्छा जा रहा है। सब जगह पे एक जगह एक तथ्य, जिसे कहते हैं ना सार्वभौमिक तथ्य की तरह, पिछले दस सालों में इंडिया टुडे के साल में दो बार के हिसाब से 20 एमओटीएन हो गए हमारे, सब में एक लाइन परमानेंट रही, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी 60% के आसपास, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी 20% के आसपास, यानी मोदी राहुल गांधी से 3 गुना पॉपुलर। वोट शेयर में लगातार बीजेपी लगभग 40 के आसपास, कांग्रेस लगभग 20 के आसपास, यानी बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से लगभग 2 गुना। ये पिछले 10 साल की परमानेंट कहानी है। इसमें केवल एक जो 4 महीने का छोटा सा एक पीरियड आया था, जिसे आप कह सकते हैं कोविड के दूसरे वेव के बाद में, अंजना, जब प्रधानमंत्री की रेटिंग पहली बार 40% झटकी थी, पहली बार 4 महीने के लिए, तब भी उस झटकी हुई रेटिंग में भी मोदी राहुल गांधी जी की रेटिंग से डबल थे। तो इसमें कोई भी नया या ऐसा अप्रत्याशित क्या है जो इतना हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, दुखी करने वाला है? इसमें कुछ भी अप्रत्याशित तो नहीं है कल जो हो रहा है, और ना कल जो नतीजे आएंगे अंजना, उसमें कुछ अप्रत्याशित होने वाला। ठीक है, इंतजार लेकिन करना होगा। एक बार फिर ये दर्शकों को बताते हुए कि जो टैली आप नीचे देख रहे हैं, ये सिर्फ एक्सेस माय इंडिया आज तक का अनुमान है। आपके पास आते हुए प्रदीप जी, उन्होंने सीधा कहा है, जो आरोप लगाया है उस पर आप सीधा जवाब दीजिए, क्योंकि आप भी साफगोई से बात करने के लिए जाने जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे रिजल्ट्स आए तो लोगों को ये रिजल्ट हजम हो, उनको अचानक से कोई झटका ना लगे, इसलिए आप पोलस्टर्स ने सरकार के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत ऐसे नंबर्स रखे हैं जिससे ये सडन ना लगे जब उनको इतने नंबर्स आ जाएं। आपको लगता नहीं कि पिछले 19 के चुनाव में, जहां पे कि हमने मिड पॉइंट 352 बताया था एनडीए का, हायर रेंज 365 बताई थी और लोअर रेंज 339, बिल्कुल वैसा का वैसा मैच हुआ था, तभी भी अभी से भी ज्यादा आरोप लगाए गए थे, तो तभी भी लगता है कि अपोजिशन ने ये ठान लिया था कि अगली बार भी हम इसी तरह के आरोप लगाएंगे और हो सकता है कि जनता को गुमराह करेंगे कि भाई ये तो किसी अलग तरीके से एनडीए या बीजेपी चुनाव जीत जाती है, इसमें हमारा ने तो बहुत अच्छा काम किया, अब हमको अगली बार आप वोट दे दीजिए। और मैं वापस कहने जा रहा हूँ आपसे और तमाम विपक्षी पार्टियां या जो भी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ना कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और उसका विषय नहीं है। आपको जनता से वोट चाहिए, जनता के बीच जाइए, जनता का विश्वास हासिल करिए, और विश्वास हासिल करने ऐसे ही नहीं हो जाता, वहां कुछ करके दिखाइए तो आपको वोट मिलेंगे। चाहे प्रदीप गुप्ता हो, एक्सेस माई इंडिया हो, आज तक हो, उनके बोलने और ना बोलने से कुछ होने और जाने वाला नहीं है। और चाहे सरकार क्यों ना हो, वो कुछ बोल दे और उससे कुछ हो जाएगा और आप जीत जाएंगे या हार जाएंगे, ये आप अपनी, मैं क्या बोलूँ अब इसके लिए, अपनी जो सोच है, जरा सोच को बदलिए तो शायद परिणाम भी बदले हुए नजर आएंगे। चुनाव लड़िए, पोस्टर्स से नहीं, पत्रकारों से नहीं। लेकिन सुनिए आशुतोष जी, पहले प्रश्न सुनिए। मैंने ऐसे भी कई लोग से मैं मिली हूँ यशवंत जी, जिस पर आशुतोष जी पहले प्रतिक्रिया देंगे, फिर संजय जी।
जो ये कहते हैं कि नहीं मुझे पोलस्टर से ये परेशानी है कि वो 280 सीट देते हैं, मतलब हमें भी लग रहा है कि जीत तो बीजेपी की होगी लेकिन 280 देते तो ठीक रहता, ये 360 कैसे दे रहे हैं, ये 400 कैसे दे रहे हैं, ये उनकी समस्या है। नहीं, एक और चीज बस क्या है, एक ही बात, या तो आर्मचेयर जर्नलिज्म छोड़िए कि हम दिल्ली में खाली आर्मचेयर पे बैठेंगे और यहीं से भविष्यवाणी पूरी देश की कर देंगे, या फिर बस मैं एक ही और चीज जोड़ना चाहता हूँ, दिल्ली के चुनाव में 2020 के दिल्ली के चुनाव में हमने एक्सिस माइंड और आज तक ने 70 सीटों, दिल्ली की 70 सीटों में से आप जानती हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें दी थी, दो से रेंज स्टार्ट करी थी और 2 से 11 तक और सीटें आई थी 8। आप ये कोई सोच सकता है कि 70 में से बीजेपी की सरकार में है, बीजेपी केंद्र में, और हम 2 सीटें दे रहे हैं? तब बताइए मुझे किसने क्या कहा था, बताइए, तब क्या आम आदमी पार्टी ने प्रायोजित किया था? मुझे लगता है कि इस पूरी बातचीत में एक लाइन जोड़ रहे हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों में इस मुल्क में भाजपा आधे से अधिक चुनाव हारी है और जितने हमारे प्री पोल सर्वे एग्जिट पोल्स हुए हैं हमने सब में भाजपा को हारता हुआ दिखाया है। जिस समय भाजपा हारती है उस समय सर्वे भी ठीक होते हैं, चैनल भी ठीक होते हैं, एग्जिट पोल भी ठीक होते हैं। जिस समय भाजपा जीतती है ये आरोप उस समय शुरू हो जाते हैं। और एक बात और भी हंसी मजाक में ही बता दूं, जब भाजपा हारती है तो ऐसा नहीं कि भाजपा वाले दूध के धुले हैं, वो भी आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ऊपर उस समय वो भी करते हैं। इसलिए अब हमको आदत हो गई है।